हेलो एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग आप सबका बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है आपके प्यारे से एस एस सी टॉप तक पी डब्ल्यू चैनल पे आशा है कि आप सब आज दिन बुधवार को बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपने आगे जो दिन आएगा उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करोगे शुक्ला जी अमित मनोज अंकित विशाल अविराट वेरी वेरी गुड मॉर्निंग विक्रम जतिन फरजान मैम आ गए ये ये yes यस बच्चा आ गए धूम मचाओ खुशियां मनाओ <laughs> uh, जय हिंद जय हिंद एवरीवन हर हर महादेव जय श्री गणेश तो श्री गणेश कर दे गुड <laughs> मॉर्निंग uh, गोविंद यादव वेरी गुड मॉर्निंग ये क्या भाई तुती शायद मैंने सही नाम लिया क्या ये <laughs> शिवम चौधरी वेरी गुड मॉर्निंग बंटी तो सबसे पहले तो ये बताओ आप सब लोग कैसे हो ठीक है आप सबका जीवन कैसा चल रहा है फ्रस्ट्रेशन कितनी है ये बताइए <laughs> और मोज कितनी हो रही है ये बताइए क्योंकि यही टाइम है कि आपको जहां पे आप बेड पे बैठे होंगे ना अपने बेड पे चेयर पे वहां पे बैठे बैठे खाना मिल रहा है, है ना इसके बाद तो बच्चा कमा के खाना है <laughs> बहुत है मैम <laughs> चलो बच्चा ये ना रहनी चाहिए क्योंकि यही ना आपको मेहनत कर इससे पता चलता है कि आप मेहनत कर रहे हो क्योंकि जो कुछ करता ही नहीं वो आदमी तो हमेशा चिल रहता है उसको परवाह ही नहीं है तो आपके अंदर थोड़ी बहुत स्ट्रगल थोड़ी बहुत फ्रस्ट्रेशन है तो वो अच्छी बात है पता चल रहा है कि आप लोग मेहनत कर रहे हो और भगवान जी का नाम लेके शुरू करते हैं अपने फाउंडेशन बैच को जिसका बच्चा सुबह नौ बजे से शुरू हो जाता है एसएससी के लिए स्टैटिक प्लस जीएस के साथ है ना दस बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है ग्यारह बजे आपकी मैथ्स की क्लास इसी बैच में होती है और बारह बजे इंग्लिश की क्लास आपकी यहाँ पर चलती है ठीक है ओके okay. उसके बाद आपका जो टेलीग्राम से आप इसको आराम से ले सकते हो उसकी पीडीएफ आपको बस ज्वाइन कर लेना है पी डब्ल्यू टॉप तक मैम क्लास में बहुत बात करते हैं गोविंद यादव बातें करनी तो अच्छी होती है बच्चा चुप रह क्या उखाड़ लोगे रे बातें करनी तो अच्छी होती है बातें करके ही तो एक दूसरे के बारे में पता चलता है कि बोलते हैं ना कि बात करेंगे तभी तो बात बनेगी और बात ही नहीं करोगे तो ऐव ही उम्र निकल जाएगी कुछ नहीं होना है पहला सवाल फटाफट से आपके सामने आते हुए बड़ा जल्दी से आते हुए और आपका पोल भी लग गया है आंसर करिए कमेंट में जो सही जवाब देगा उसको आज एक बूंदी का लड्डू मिलेगा तो किस किस को बूंदी का लड्डू पसंद है पहले तो ये बताइए डी ऑप्शन मैम डी ऑप्शन कहां लिखा है रे अच्छा चौदवे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे क्योंकि अब तो पंद्रवा चल रहा है वित्त आयोग बच्चा होता क्या है ठीक है ये बताना जरा जो ये फाइनेंस कमीशन होता है इसका मेन मोटिव क्या होता है बनने का ठीक है डी ऑप्शन मैम वाई वी रेड्डी थे चौदवे वित्त आयोग के आपके अध्यक्ष और जरा बताना जो अपना पंद्रहवा वित्त आयोग चल रहा है इसके अध्यक्ष कौन है ठीक है पंद्रवे के अध्यक्ष आपके कौन है फटाफट से बताइए ये जो फाइनेंस कमीशन है बता आप सबको पता है हमारे भारत में एक है केंद्र सरकार जो पूरे भारत को चला रही है एक है आपकी अरे वाह है? एक है आपकी राज्यों की राज्य सरकार जहां पर आपके सीएम होते हैं ठीक है क्या होते हैं लीडर सीएम होते हैं तो उन दोनों के बीच में फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी मसले हैं उनको अच्छे से सुलझाना इक्वल इक्वल जिसका जितना चाहिए उतना बंटवारा करना ये बच्चा इसका मेन मोटिव होता है कि विथ यानी फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी मसले हैं केंद्र और राज्य सरकार के बीच में उनको ये अच्छे से रन करे ठीक है जिस राज्य को जितना फंड मिलना चाहिए उतना मिलता रहे ओके निर्मला सीतारमन पंद्रहवे की अध्यक्ष है किसने बताई है ये बात एक बार प्लीज मुझे उनका नाम बताइए कि ये बात किसने बताई है कि पंद्रहवे वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके निर्मला सीता रमन है बच्चा प्लीज बताओ एक बार नाम लो जल्दी से आर्टिकल बिल्कुल करेक्ट है इसकी बात लिखी हुई है आर्टिकल नंबर या अपने संविधान के अंश 280 में ठीक है नंद किशोर है मैम बिल्कुल सही आप गलत हो ही नहीं सकते पंद्रहवे के जो अध्यक्ष है वो नंद किशोर है बस ये ध्यान रख लेना निर्मला सीतारमन हमारे भारत की फाइनेंस मिनिस्टर है बच्चा कैबिनेट में जो आर्टिकल 75 के तहत मंत्री परिषद बना हुआ है ना उसमें ओके अब आपका 60 परसेंट ने पहले सवाल का जवाब एकदम सही दिया है देखो अपने फाइनेंस मिनिस्टर है ध्यान रखना निर्मला सीतारमन ठीक है ये चीज़ याद साठ परसेंट में से आज हमारे नए नवेले अमित जो है वो नंबर वन आए हैं शैलेंद्र नंबर टू पे है और केशव चौहान नंबर थ्री पे है शिवशंकर जी की बात करें तो भोले शंकर अपने नंबर चार पर बैठे हुए हैं ठीक है अगला सवाल आपके सामने आता हुआ इसको पढ़िए बच्चा और ध्यान से बड़े प्यार से इसका जवाब दीजिए क्योंकि सवाल बहुत इजी है मैं प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ का है बच्चा ये तो बताना नहीं है अपन ये नहीं बताएगा ठीक है <laughs> कि कहाँ से उठाया है उसके बाद क्या करते हो मेरे को पता है तुम्हारे पास प्रीवियस ईयर की बुक है आजकल तो गूगल से डाउनलोड कर लेते हो और तुम ना इतना जल्दी जल्दी आंसर देते हो चेक कर लेना है प्रीवियस ईयर से बट कहां से है अपन नहीं बताएगा है ना वो है ना मैं नहीं बताऊंगा बी ऑप्शन विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किस तट के निकट पाई जाती है बचा आपकी कोरल रीफ्स, ठीक है वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ जिसको आप ग्रेट बैरियर रीफ भी कहते हो क्या कहते हो ग्रेट बैरियर रीफ भी आप इसको बोलते हो ये आपको कहाँ मिलेगी ये आपको ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है वहां पर मिलेगी और उसकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मिलेगी इस जगह पे बिल्कुल इस पॉइंट पे ठीक है तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट सबसे सुंदर इसको क्या बोला जाता है इसको समुद्र का बगीचा बोला जाता है है ना क्या बोला जाता है समुद्र का बगीचा बगीचा लिख दिया मैंने वाह समुद्र का बगीचा बोला जाता है ये इतनी खूबसूरत है टूरिस्ट प्लेस है ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं क्यों कहते हैं अरे ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं क्यों कहते हैं जरा एक बार चर्चा कर ले क्यों कहते हैं है ना आखिर ऐसा क्या है वेरी गुड खेमू जितने सवाल ये होती है अच्छे वाली बात है ना अच्छे वाली बात कैसे कि हमें सवाल तो एक मिल गया पर उस सवाल में से हम कितने सवाल निकाल दे उसकी तो कोई इम्तिहा नहीं है, है ना तो ऑस्ट्रेलिया को बच्चे प्यासी भूमि का देश कहते हैं ज्यादा नदियां नहीं है बीच में पूरा का पूरा आपका डेजर्ट भरा हुआ है इस वजह से ठीक है उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का जो ये हिस्सा है ना बच्चा यहाँ पे है रिवर कुछ मर्रे और डार्लिंग दो रिवर सुना होगा आपने जरूर सुना होगा है ना तो यहाँ इसके बेसिन में ना और यहाँ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी है इसके मतलब एक आपकी पर्वत छोटी सी है नॉर्थ से लेके साउथ तक इसके बेसिन में आपके पाए जाते हैं डाउन्स डाउंस होते हैं वहां पर घास के मैदान कैसे घास के मैदान और ये घास के मैदान कैसे होते हैं आपसे सवाल ये बनेगा बच्चा कि ये आपके उष्ण कटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल या फिर शीतोष्ण कटिबंधीय यानी कि टेम्परेट कैसे होते हैं बताना जरा थोड़ा सा इसको खोला जाए है ना? आप कहेंगे मैम ऑस्ट्रेलिया के बीच में से आपकी साढ़े तेईस डिग्री साउथ कौन सी मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकोन गुजरती है उसके ऊपर वाला इस बिल्कुल जैसे हमारे भारत में से कर्क रेखा गुजर रही है ऊपर वाला उसका इसमें थोड़ा उल्टा हो जाता है ऊपर वाला आपका क्या है टेम्परेट जलवायु का नीचे वाला ट्रॉपिकल का इसका ऊपर वाला ट्रॉपिकल हो जाएगा नीचे वाला टेम्परेट हो जाएगा तो टेम्परेट इसके यानी कि शीतोष्ण बच्चा ठीक है कैसे है ये ये शीतोष्ण घास के मैदान है टेम्परेट ग्रासलैंड है जिनको ऑस्ट्रेलिया में डाउन स्टेपीज एशिया में ठीक है पियरीज अमेरिका में कहा लिखा है रे ऑस्ट्रेलिया नंबर टू पे ठीक है बी ऑप्शन इसका करेक्ट लगा दिया पेम्पास आपका साउथ अमेरिका में ये सब इनको बोला जाता है क्यूबा की राजधानी हवाना है मैम हंड्रेड परसेंट है बच्चा चीनी का कटोरा अंकित यादव अभिनव संदीप और कितने परसेंट ने दिया है तो आज तो तुम पूरा आ, मतलब पैड वगैरह और हेलमेट वगैरह अपना पहन के हो, आज तो अच्छा खेल रहे हो क्या बात है? कल तुम्हें थोड़ा छेड़ क्या दिया तुम तो दिल पे ले गए यस और नो कल थोड़ा छेड़ गया दिया तुम तो दिन में ले गए दिल पे ले गए भाई बात को भारत का इनमें से कौन सा विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है ठीक है मैम इंग्लिश लैंग्वेज को ऊपर रखो बच्चा आज के लिए बेर कर लो कल से आपका इंग्लिश और हिंदी हम एक साथ रख लेंगे ठीक है बस आज के लिए आप इसको manage कर लो। प्रदेश जल्दी से बताओ क्या आपका सही ये, ये भीम बेट का कौन कह रहा है ये ये शर्म लिहाज नहीं रही क्या इस इंसान में कौन है ये कौन है ये तुच्छ प्राणी बताना बता। जरा बच्चा ये जो डी ऑप्शन जिसने भी दिया है इस तुच्छ प्राणी को जरा सामने लाया जाए <laughs> चलो बताओ बच्चा जल्दी से इनमें से आपकी कौन सी कहां पर नहीं है मध्य प्रदेश में नहीं है फटाफट से हो कोणार्क मैम वेरी गुड बच्चा सूर्य मंदिर कोणार्क में जो कि आपका कहां है उड़ीसा में है कोणार्क का सूर्य मंदिर पुरी के पास है उड़ीसा में है ठीक है यह किसने बनवाया था ये किसके द्वारा बनवाया गया था बच्चा कितने सवाल पूछ चुके हैं है ना अभी हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट की मैम देखो सबसे पहले आप इसका जवाब दो बच्चा धीरे धीरे अब इन चारों ऑप्शंस को हम थोड़ा सा थोड़ा सा बस क्या करेंगे गाएंगे है ना वर्ल्ड हेरिटेज साइट अपने भारत में 40 हैं इनको गोद लिया जाता है यूएनईएससीओ संस्था के द्वारा जिसका खुद में हेडक्वार्टर क्वार्टर बेचारे का पेरिस में है कहां पर है पेरिस में है इस 40 में से 40वीं जो थी ना इन 40 में से 40वीं साइट अपनी धोलावीरा साइट बनी थी ठीक है क्या बनी थी धौलावीरा साइट जो है वो बनी है ओके चलिए मैम ये बनवाया था पोल प्रियांश बच्चा पोल चलो आज इसी पे टाइम ले लेते हैं थोड़ा सा एक मिनट का जो ये पोल है ना पी ओ डबल एल ठीक है इस पोल को आपको नहीं दिखेगा ये बिल्कुल नहीं दिखेगा क्योंकि बच्चे आपको जस्ट अपने ऑप्शन में ए बी सी डी आपको जो भी सही लग रहा है उसको बस आप कमेंट में भरते जाइए विद इन तीस सेकेंड आपका जवाब अपने आप पोल पकड़ लेगा आप कहेंगे मैम कि ये बनवाया था गंग वंश के ठीक है राजा नरसिंह देव वन ने ठीक है ये चीज जरूर याद रखना नरसिंह देव वन ने चलिए खजुराहो के मंदिर अब बात करते हैं अगर ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट का सवाल है और मैं आपसे ये ना पूछूं कि चारों के चारों आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट है अपने भारत के कब कब उनको ऐड किया गया तो इस सवाल को बड़ी नाइंसाफी बड़ी तुच्छ नजरों से देखा जाएगा है ना अब खजुराहो के मंदिर को ऐड कब किया गया बच्चा बाकी सारे के सारे आपके मध्य प्रदेश में हैं लाइक सांची स्तूप आपके किसने बनवाए थे अशोक ने बनवाए थे अशोक महान ठीक है अशोक ने बट मुझे बताओ भीम का भी आपकी कहां पर है शैल आपकी यह है आपकी मध्य प्रदेश में ठीक है अब ये बताओ खजुराहो के मंदिर को कब ऐड किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में फटाफट से आप कहेंगे मैम खजुराहो के मंदिर हुए थे 1986 में ठीक है सूर्य देव मंदिर सूर्य भगवान हुए थे सबसे पहले शायद इनमें से यही है उड़ीसा उड़ीसा में आपके ये हुए थे 1984 में ठीक है कब 1984 में सांची के स्तूप की बात करें तो बच्चा 1989 जो आप में से काफी लोग तो सही जवाब दे रहे हो अब एक रह गया आपका भीम बेट का इसका जवाब हम सामने से देखना चाहेंगे बताना जरा फटाफट से मैम दो सौ रुपये दो सौ रुपए क्या रे दो सौ रुपए की टिकट है क्या जाने की बताइए आपके सामने लास्ट है भीम का जो शेल्स आपकी वो है कब इनको ऐड किया गया था 2000 में पक्का आ, या 2003 लिख दे क्या लिखा जाए बताओ 2000 लिख दे या 2003 लिख दे आप कहोगे मैम आप कोई बात नहीं आप 2003 लिख दो हम नादान बालक हम क्या करें हमने तीन साल घटा दिए है ना क्योंकि उम्र का बड़ा रोल रहता है कम होने में 2003 <laughs> बचा तो इसका ऑप्शन आ गया बी बी पे ताला लगाया और पता चला कि फिर से आपने इस बॉल पे दो रन ले लिए हैं ठीक है छक्का भी नहीं लगाया छक्का देखो छक्के के लिए है भैया आपके 90 परसेंट होना चाहिए ठीक है फोर मतलब आपका चौके के लिए है कि आपके लगभग 72, टू परसेंट में आना चाहिए उसके नीचे है दो रन एक रन और फिर खाली बोल और बोल तो हो ही जाओगे तुम किसी न किसी सवाल में अभी मोर, पिंकी साहू चौकोपाई रश्मि वेरी गुड बच्चा इस सवाल का बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया है ये जो बहाने है ना नेटवर्क नहीं आता है नेटवर्क नहीं है ये बहाने तब कहा चले जाते हैं जब तुम नंबर वन आते हो अगला सवाल अच्छा मैं अब से ना इस पोल का टाइम जो है वो 45 सेकंड रखा करूंगी बट मेरे को ना वो थोड़ा ज्यादा लगता है जीएस की प्रैक्टिस में इसलिए मैं 30 सेकंड करके चलती हूँ आपके लिए थोड़ा ये भी कर देंगे है ना आप हुक्म करिए सरकार तो गोताखोरों के क्या है सवाल भैया गोताखोरों के प्रयोग में आने वाली गैस सिलेंडरों में ऑक्सीजन को तनु करने के लिए ओके डाइल्यूट करने के लिए बच्चा इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है अरे कितना सिंपल सवाल है मैम हीलियम का प्रयोग किया जाता है हीलियम का यूज जो है किया जाता है एच ई -e. अच्छा यहां से एक सवाल बड़ा दिमाग में आ गया है बच्चा ठीक है गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती है ध्यान से सुनना गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती है गुब्बारा वो मुंह से जो फुलाते हो वो नहीं वो जो हाथ में लेते हो और अगर छूट गया बाई चांस तो वो ऊपर ही जाके रुकता है, है ना और फिर तुम्हारा रोना निकलता है वो वाला कौन सी गैस भरी होती है बच्चा उसके अलावा बताना जो चिप्स आते हैं ना चिप्स <laughs> चिप्स में कौन सी गैस भरते हैं वो ताकि अंदर ऑक्सीडेशन ना हो जाए कौन सी गैस आपकी भरी होती है जो आज के टाइम पे बच्चा कसम से दिल टूटता है पांच रुपए के चिप्स में पांच भी नहीं होते चार ही होते हैं या साढ़े तीन होंगे या साढ़े चार होंगे पूरे पांच नहीं होंगे नाइट्रोजन मैम नाइट्रोजन ठीक है क्या होगी नाइट्रोजन जो हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस है तो खत्म तो होनी नहीं, नहीं है भरते जाओ लूटते जाओ <laughs> नाइट्रोजन वेरी गुड बच्चा अच्छा सी ऑप्शन पे लगा दिया ताला देख ले आगे किसने क्या जीता है भैया इस पे मार दिया तुमने चौका क्योंकि आप क्या आ गई है सेवेंटी वन परसेंट जिन्होंने सही जवाब दिया है वेरी गुड तो चौके के साथ खेले हैं सबसे पहले अभिनव मोर ने मारा है दिव्या ने और अंकित हेमराम ने अंकित आप बड़े दिनों के बाद आए हो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है अगला सवाल आपके सामने है बच्चा बहुत ही प्यारा सा एक सवाल आपके लिए होमवर्क रखा है ठीक है उसको बाद में देखना हिप हिप हुर्रे चौके से कुछ ना होगा छक्के मारने पड़ेंगे है ना फैफ डुपले बनना पड़ेगा बच्चा अच्छा तालाबों में और कुओं में इनमें से क्या डालने पर मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है इनमें से बेसिकली एक चीज ऐसी है बच्चा जो ना जिसका खाना जिसका पोषण जैसे आपका है गंदी चीजें चिप्स बर्गर जंक फूड पिज्जा ये सब उसी तरह से इन चारों ऑप्शन में से आप ही की तरह आप ही की बहन है एक आप ही का भाई है एक वो तो बताएंगे नहीं उसका खाना होता है जो आपके मच्छर होते हैं ना और उनका जो लार्वा होता है वो तो अगर वो खा लिया तो मच्छर पैदा कैसे होंगे है ना तो वही है बच्चा इनमें से क्या हो जाएगा इसका सही जवाब आप कहेंगे कि मैम मच्छरों की तादाद कम करने के लिए ना कई बार जहां पर ज्यादा हो तालाबों में या फिर कुओं में कुओं में तो बहुत कम करते हैं बच्चा गेम्बूशिया फिश डाल दी जाती है गेम्बूशिया फिश का पोषण भोजन ही आपका मच्छर होते हैं उनका लार्वा होता है यस और नो याद रहेगा जल्दी से बताओ सारे यस करो कि यस मैम ये हमें याद रहेगा गैम्बूस या फिश देखने में फिश जैसी ही होती है तो ऐसा नहीं है कि इसका कुछ अलग रंग रूप होता है ऐसी ही होती है फिश जैसी शो रिजल्ट हमने करके देखा यस मैम यस मैम याद रहेगा ओ हो हो भाई दूसरा चौका आ गया ठीक है दूसरा चौका आ गया फिर से 75 परसेंट ने जवाब दिया है मतलब आज तो मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि तैयार होके आए हो है <laughs> आज बिल्कुल टिका के बैठे हुए हो कि आज हारना नहीं है और यही जज्बा रहना चाहिए बच्चा कि हारना नहीं है फिर से अभिनव ने सबसे पहले चौका मारा है खेमू ने दूसरे पे शिवम सिंह राठौड़ इन्होंने मारा है तीसरा चौका संदीप ज्योति किशन भैया लड़कियों की तादाद कम क्यों है जवाब देने में कहा पीछे रह रही हो रहे हो रे मैम क्या नहीं है फरजान फ्रांस में मच्छर नहीं है क्या नहीं है कहा चला गया अच्छा सवाल बच्चा अगले वाला बड़ा अच्छा है देखते हैं कि इसमें आप हो, इस आप आपके सामने हाजिर है कि इनमें से किस पद अधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार होता है, है ना उसे संबोधित करने का अधिकार होता है भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कौन है आज के टाइम पे प्रेजेंट में बताना जरा अपने सीजीआई कौन है अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया या फिर सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भारत के चीफ इलेक्शन कमीशन जो कि आपके चीफ हैं राजीव कुमार ठीक है बच्चा क्या हो जाएगा अभी के लिए राजीव कुमार है कल को चेंज हुए तो उसकी अपडेट तो मिलती रहेगी डी वाई चंद्रचूड वेरी गुड ठीक है बिल्कुल करेक्ट बच्चा इसका सही जवाब हो जाएगा अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया मतलब भारत सरकार मान लो बच्चा हाइपोथेटिकली हाइपोथेटिकली क्या सच ही हो रहा है आजकल तो मान लो कि भारत सरकार जो है वो किसी तरह से अपना कोई मसला लेकर कोर्ट में जा रही है ठीक है कोर्ट में जा रही है कोर्ट में जाओगे तो वकील की फीस देनी पड़ेगी वकील की जरूरत पड़ती है बच्चा तो भारत सरकार की तरफ से जो कोर्ट में भारत सरकार का प्रतिनिधि होता है ना वो अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही होता है अब इससे सिंपल नहीं समझा सकते भाई <laughs> तो अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और बावन तो बावन में आपको मिले हैं इसमें दो रन ठीक है कितने रन मिले हैं केवल और केवल दो रन जो काफी निराशाजनक स्कोर है आजाद गिरिराज अंकित शिवम सिंह राठौड़ टॉप फोर अपने बच्चे आते हुए ठीक है अगला सवाल आपके सामने है बहुत ही लाजवाब उमदा सा सवाल है बताइए अगला सवाल आपके सामने ये है कि किस कर को कर मतलब टैक्स ठीक है 1994 और 1995 में छोटे रूप पे लागू करने के बहुत टाइम के बाद संवैधानिक दर्जा मिला था क्या इसका सही जवाब हो जाएगा कस्टम टैक्स आपके कॉपोरेशन टैक्स सर्विस टैक्स या फिर आपका इनकम टैक्स और ये किसके कार्यकाल की बात हो रही है जरा एक बार बताना फटाफट से बच्चा बताइए जल्दी से कौन थे फाइनेंस मिनिस्टर मैम सर्विस टैक्स इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा 1994 और 1995 में ये बताइए फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे भारत के ठीक है सी भारत के फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे जो बेसिकली इस बिल को लेकर आए थे एक स्मॉल स्केल पर लेकिन उसके बहुत टाइम के बाद बहुत टाइम के बाद कितने टाइम के बाद मैम लगभग लगभग 2003 में बचा तो उसको कहाँ लिख लेंगे यहां पर ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस जो मिला 2003 में उसको संवैधानिक दर्जा मिला यानी कि सर्विसेज पर जो टैक्स लगता है और ये बात हो रही है मनमोहन सिंह की ठीक है किसकी मनमोहन सिंह की जिन्होंने अपनी इकोनमी बचाई थी 1990 के टाइम पर 1991 के टाइम पर आपने तीन चीजें रखी थी देश के सामने ठीक है इकोनॉमी को बचाने के लिए तीन चीजें इन्होंने रखी थी वो तीन नियम क्या है बच्चा जल्दी से बताना एक बार क्या क्या है वो सी ऑप्शन पे लगाया हमने ताला पता चला कि चौके के साथ नहीं आपने दो रन के साथ अभिनव खेमू अविराट और पूजा कुमारी ठीक है प्राइवेटाइजेशन दूसरा और तीसरा जल्दी से बताओ ठीक है एल पी जी येस और नो बचा एल पी जी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और आपका ग्लोबलाइजेशन मतलब कि अपनी इकोनॉमी को खोलना बाहर के देशों के लिए भी कि आइए इन्वेस्ट करिए कंपनियां बनाइए और फायदा कमाइए हमारे देश को भी आगे बढ़ाइए तो एल पी जी कितना सिंपल है बच्चा ओके okay. आगे चले मुद्रा स्फीति की अवधि में सबसे अधिक फायदा किसे होगा रे क्या है सवाल हु बेनिफिट द मोस्ट इन पीरियड ऑफ जब इन्फ्लेशन चलती है ध्यान रखना बच्चा आपने एक कहावत बहुत सुनी है कि इतनी महंगाई है कि अमीर और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं सुना है या नहीं सुना है बताना जरा तो जो एम्प्लॉयज वगैरह होते हैं बच्चा जो आपके या फिर कहो दिहाड़ी मजदूर होते हैं या छोटे स्केल वाले उनको कोई फायदा नहीं होता जो आपके उद्यमी होते हैं ना वो आपका सबसे ज्यादा फायदा इसमें इस काल में या इस पीरियड में उठाते हैं है ना सुना होगा ना कि मैम गरीब और गरीब महंगाई बढ़ने में तो भैया अब आपका क्या होता है गरीब तो गरीब हो जाता है और ज्यादा और अमीर जो है वो ज्यादा अमीर हो जाता है सोलह परसेंट पॉइंट सात इतना कम आंसर तो इसमें तो आपको मिल रहा है जीरो

उन पे तो ज़्यादा भार पड़ा इनकम तो उनकी बढ़नी नहीं है लेकिन जो उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं जिन्होंने वो कंपनियां खड़ी करी हुई है अगर वो कच्चा माल उनको पहले दस का मिलता था अब ग्यारह का मिल जाएगा बारह का मिल जाएगा लेकिन उसका एमआरपी उसको वो मार्केट में उतारेंगे तो वो कितने में उतारेंगे जरा सोच के देखिए ठीक है आगे चलते हैं अगला सवाल आपके सामने इनमें से जैसे आज के टाइम पे आप कैसे इसको रिलेट कर सकते हो आप फसलें बोते हो कुछ ऐसी लाइक आपका मान लो कुछ भी प्याज मान लो लहसुन मान लो खीरा मान लो टमाटर मान लो आलू मान लो आपने देखा होगा जो वो खेतों से ठीक है एक व्यापारी के पास जाता है हाइपोथेटिकली मैं आलू की और ये रियल बता रही हूं दस दस रुपए किलो दो दो रुपए किलो आलू बेचे जाते हैं खेतों से खरीदे जाते हैं क्या आपने पिछले पांच साल में अगर खरीदे होंगे आलू वगैरह सब्जियां कभी सुना है कि आलू दस रुपए किलो है नहीं वो उस क्या बोले तो मंडी से जब हमारे घर में आते हैं ना वो दस से कब पचास हो जाते हैं पता नहीं चलता है ओके निम्नलिखित में कहा जो है वो आपके स्तूप नहीं है रांची में नहीं है मैम सांची में है अरे सांची में सबसे बढ़िया वाले अशोक के द्वारा बनाए हुए हैं है ना सांची के स्तूप बच्चा बहुत फेमस है सारनाथ का धामेक और बहरूत तीनों में है जो नहीं है वो रांची में नहीं है ठीक है रांची आपका ये बताइए किस नदी के किनारे बसा हुआ है रांची शहर किस नदी के किनारे जो है वो आपका बसा हुआ है बच्चा एक बार फटाफट से बताओ मैम कल चावल बेचा है बच्चा कितने में बेचा होगा आप तो क्विंटल के हिसाब से बेच के आते होंगे मान लो तीन हजार पता है चावल का भाव अच्छे चावल का क्या है यहाँ पे अगर अपने वाले की बात करो एक सौ पच्चीस का एक किलो अब तुम देख लो कितने में बेच के आए हो <laughs> पता लग जाएगा और अगर एक तरह से कहो शोक आ जाए तो थोड़ा सांस लेना गहरी क्योंकि ऐसा ही होता है बच्चा <laughs> स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बहुत अच्छा बच्चा किस नदी के किनारे है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है एक टाटा नगर है ठीक है क्या है बच्चा टाटा नगर यानी कि जमशेद नगर जमशेदपुर है ना टाटा नगर लिख लो इसको टाटा सिटी भी लिख सकते हो वो भी आपका इसी स्वर्ण रेखा के किनारे है पुरानी हवेली गुड मॉर्निंग कहाँ चले गए थे आप किसको बुला रहे थे चलो आपका छियासठ परसेंट मतलब आपने यहां पर चौका मारा है इस सवाल में शुक्ला जी ज्योति रंजन आ, किशन, किशन ठाकुर इस सवाल का एकदम से बिल्कुल सही जवाब यहां पर देते हुए ठीक है चलिए अगले सवाल पे चलते हैं कौन से विच प्लांट्स ग्रो अंडर वॉटर स्ट्रेस देखना इसको पढ़ेंगे एक बार विच प्लांट्स ग्रो अंडर वॉटर स्ट्रेस कंडीशन ऑफ द डेजर्ट कौन से प्लांट्स जो है मरुस्थल की जलदाब स्थितियों में विकसित होते हैं बहुत आपने ये सुना होगा एक मुझे बताओ आजकल आते हुए मैं इसको बड़ा देख रही हूं ओएसिस क्या होता है ठीक है स्पेलिंग एक बार देखना बच्चा। ओएसिस बोलते हैं वैसे तो ये क्या होता है आपका बताना इसी सवाल से थोड़ा रिलेटेड है मतलब इस वर्ड से रिलेटेड है डेजर्ट जो है है ना मैम जीरो फाइट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि आपके ऑप्शन नंबर टू में लिखा हुआ है ओएसिस क्या होता है बच्चा एक बार जरा बताना बकलावा ओएसिस यहां पे एक मिठाई से शॉप है ओएसिस ओवरसीज होता है बावले ओसी होता है ओवरसीज नहीं होता वो <laughs> चलो ओ <laughs> तो बोलते हैं 82 परसेंट मतलब इसमें आपने फिर से क्या किया है चौका मारा है अंकित यादव आजाद कुमार शिवशंकर और विजय इस सवाल का सही जवाब देते हुए ठीक है ओएसिस मैम इज अ फर्टाइल एरिया ऑफ डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट ज्योति बच्चा बहुत ही अच्छा ठीक है रेगिस्तान में देखो आपको कोई प्लांटेशन कोई वेजिटेशन ऐसी खास मिलेगी नहीं लेकिन किसी एरिया पे अगर कहीं थोड़ा बहुत पानी है बच्चा तो उसके आस पास आसपास आपको ग्रीनरी मिलेगी तो डेजर्ट का अंदर कहीं पानी मिलना या थोड़ी बहुत भी ग्रीनरी मिलना थोड़ा बहुत भी फर्टाइल लैंड मिलना बच्चा वही आप नेचुरल तरीके से ठीक है वही कहलाता है ओइसिस अगले सवाल पर आपके चलते हुए ताजे पानी का जो हिमांक होता है वो कितना होता है क्या पूछा गया है वट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ फ्रेश वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फ्रेश वाटर मतलब आपका बच्चा वो दाब या सॉरी वो पॉइंट दाब बोल रही हूं वो पॉइंट जहां पर कोई जो लिक्विड है ठीक है क्या है कोई जो लिक्विड है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा सॉलिड में ठीक है भैया पानी से बर्फ बनेगा किसी न किसी फ्रीजिंग पॉइंट पे आपके सामने लिखा है ताजे पानी का यानी कि शुद्ध पानी का अगर पानी में अशुद्धियां होंगी तो बच्चा ये चेंज हो सकता है इसलिए आपसे सवाल जो है वो ताजे पानी का पूछते हैं जो कि आपका जीरो डिग्री सेल्सियस होता है ठीक है यस और नो जीरो डिग्री सेल्सियस होता है और आपका फोर्थ ऑप्शन लगा दिया यहाँ पे अच्छा जीरो डिग्री सेल्सियस को अगर मैं फर्ने में पूछ लू आपसे तो क्या आपको कप कपी आ जाएगी शिवरिंग होने लगेगी ये फर्ने में कितना होगा बाय चांस अगर एग्जामिनर निकला मेरी तरफ बावला उसने सेल्सियस ना देके के दे दिया तो कितना करोगे इसको मैम थर्टी टू करेंगे वेरी गुड ठीक है या फिर आपका बच्चा थर्टी टू डिग्री फारने एकदम सही जवाब आप देते हो और ये जान के ही बड़ा अच्छा लगता है एक्चुअली एंड फिफ्टी नाइन परसेंट जिसमें आपको कह सकते हैं कि आपने इस पे क्या जड़ा है दो रन लिए हैं अभिनव मोर आजाद दिव्या शुक्ला जी जडेजा की तरह बनो कि हम हार रहे हैं लेकिन होप नहीं खोई है और हम जीत के वापस आते हैं यस और No. ठीक है ने <laughs> आईपीएल में किया है अच्छा ब्राह्मणों पर ब्राह्मणों पर ज़ज़िया कर लगाने वाला पहला दिल्ली का सुल्तान कौन था ध्यान रखना ब्राह्मणों पर पहला जजिया कर लगाने वाला बच्चा मोहम्मद बिन तुगलक ने जजिया कर कब लगाया था उसने बहुत कारनामे किए थे जो उसके सारे गलत हुए थे ठीक है लेकिन उसने जजिया कर ब्राह्मणों पे कब लगाया था एक बार बताइए जरा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान दिल्ली का कौन था बी ऑप्शन वेरी गुड अच्छा ये एफ एस टी लखनऊ वाले मतलब लखनऊ वाला एफ एस टी लिख रहा है और बच्चा मैंने तो पहली बार ये फिरोज साहद हाँ तुगलक की शॉर्ट फॉर्म पढ़ी है मुझे लगा कि पता नहीं आप क्या पूछ रहे हो <laughs> बहुत 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 बेहतरीन फिरोज शाह तुगलक बच्चा जिसको माना जाता है कि भारत में नहरों का सबसे ज्यादा निर्माण इसी ने ही करवाया है यस और ना नो ठीक है नहरों का सबसे ज्यादा निर्माण इसी ने ही करवाया है ये माना जाता है दूसरा आपका इसका कार्यकाल तेरह से लेकर और कितना था बच्चा तेरह तक था इसको जरा प्लीज एक बार चेक करना ठीक है अठासी है या अठहत्तर है फिरोज शाह तुगलक एक बात तो ये समझ लो कि इसको ना मुस्लिम्स में या दिल्ली सल्तनत में सबसे दयालु माना जाता था बाकी सारे इसके ऊपर के लेवल थे लेवल के थे लेकिन इसी ने ही सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था क्योंकि इसका मानना था कि जो चीज सरिया कानून में नहीं लिखी ठीक है वो आपकी फॉलो नहीं होगी तो बी ऑप्शन सरिया या सिया कानून बच्चा सिया की उसमें जो होली बुक होती है इक्यावन परसेंट सरिया या सिया कुछ ऐसा ही था अंकित यादव गिरिराज रागिनी चौधरी हेमंत इस सवाल का करेक्ट आंसर देते हुए और इसमें हम नहीं देख पाए कि किसने क्या जीता है संकेत भाषा का संबंध इनमें से किससे है सांकेतिक भाषा बताइए सांकेतिक भाषा वोट इज अच्छा मतलब आप कह रहे हो बच्चा तुगलक वंश आपका कहां से कहां तक था तेरह सो बीस से लेकर आपका कहां तक था 1451 तक था ये 1500 तक कहाँ पहुंच गए 1414 तक ठीक है 1500 तक कहाँ पहुंच गए तुम लोग 1500 में ये कहाँ था 1551 में तो मुगल वंश आ गया था 26 में तो बावले मत बनो जवाब सही दिया करो <laughs> हाँ 1414 यस 14, yes. फिर उसके बाद 1414 से लेकर 1451 तक सैयद वंश देन लोदी वंश और फिर मुगल वंश आ जा जाता है, है ना अच्छा मैथ वाले आप कभी देखेंगे सांकेतिक भाषा व्हाट इज साइन लैंग्वेज रिलेट्स टू बच्चा ये होती है ए ऑप्शन टेलीप्रिंटर साइन लैंग्वेज टेलीप्रिंटर से वाह क्या बात है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिंगरप्रिंट फोर्थ ऑप्शन ठीक है फोर्थ ऑप्शन और आपके सीजीएल चलो इसका तो मैं बता देती हूँ बच्चा ठीक है सीजीएल 2014 का ये पूछा हुआ सवाल है इसको चेक कर लेना ये वो टाइम है जब जीएस में तुम्हें 50 क्वेश्चन दिया करते थे ठीक है ये उस टाइम की बात है उस काल की बात है आप तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा कर रखा है अंकित ज्योति सिंह एंड राम दर्शन इस सवाल का सही जवाब देते हुए अच्छा हमारे भारत की लिपि कौन सी है बच्चा बताना स्क्रिप्ट अपनी और वो स्क्रिप्ट कौन सी है वो लिपि कौन सी है जिसको अभी तक पढ़ा नहीं गया दो सवाल है आपके लिए जब आपका दिमाग गवाही दे तब इसका जवाब देवनागरी अरे वाह बच्चा क्या हो जाएगा देवनागरी और दूसरे का दूसरे का <laughs> खरोस्टी को पढ़ाने गया अच्छा अरे ये ले भाई क्या कर दिया ये पहला सॉरी अगला सवाल आपके सामने हाजिर होते हुए बताइए ठीक है रबाड़ा रबाड़ा को क्यों मिस किया जा रहा है रे अच्छा, रबाड़ा अच्छी गेंद फेकता है है ना अच्छा केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श लेने के लिए राष्ट्रपति साहब के द्वारा किस निकाय का गठन किया गया है बच्चा जो हमने आज सबसे पहले सवाल देखा है और जो अब देख रहे हैं पहले सवाल में बस थोड़ा सा चेंज था लेकिन उसकी पूरी परिभाषा आपके सामने यहाँ मौजूद है कि मैम फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है वित्त आयोग का गठन किया जाता है बाय द आर्टिकल वन कितना बोला था आपने जल्दी से बताना आर्टिकल नंबर किस में इसका क्या है प्रावधान है जिसमें राष्ट्रपति साहब के द्वारा एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है आर्टिकल 280 नहीं बच्चा 100 नहीं 280 ठीक है 280 और बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा 74 परसेंट मतलब इसमें आपने क्या किया है इसमें आपने चौका मारा है और बड़ा ही अच्छा कड़क चौका मारा एक वो नहीं होता विराट कोहली की तरह की बोलते हो, हो फाइन लेग पे खेला है भैया है ना चलो आपका अंकित यादव अभिनव गिरिराज ये सवाल का जवाब सही देते हुए राइडर कप जो है वो किस खेल से संबंधित है राइडर कप बताओ ब्रेडन uh, मैकलम अच्छा मतलब सबको मिस करते रहो है ये क्वेश्चन मिस मत कर देना जवाब दो सारे के सारे जल्दी से राइडर कप मैम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसबॉल बास्केटबॉल कार्ड्स या गोल्फ मैम ये यूरोप में और यूएसए के बीच में बेसिकली एक आपका क्या होता है हर दो साल के बाद आपका ये राइडर कप खेला जाता है कब हर दो साल के बाद जैसे अपने यहां आपका क्या विश्व कप चार साल बाद खेला जाता है ना फीफा चार साल बाद ये आपका दो साल बाद यूएसए ये कहीं भी हो सकते हैं यूएसए और यूरोप में यूएसए और यूरोप के बीच में ना गोल्फ की प्रतियोगिता होती है तो राइडर कप गोल्फ से रिलेटेड है किससे गोल्फ से अमीरों का खेल इसको बोला जाता है बच्चा अमीरों का खेल यहां से एक बात याद आ गई अच्छा यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है यूरोप का खेल का मैदान खेल का खेल लिख रही हूं मैं यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है बच्चा ये यहां तक पढ़ना और फिर जो क्वेश्चन पूछा है वो यहां तक पढ़ना है ना फटाफट से बताइए यूरोप का खेल का मैदान स्कॉटलैंड अरे बावड़े स्कॉटलैंड को नहीं आपका किसको बोला जाता है फटाफट से बताइए स्विट्जरलैंड क्या हो जाएगा स्विट्जरलैंड जहां पर आ, कौन सी मूवी का वो बता रहे वो फेमस हो गई थी दिलवाले तो धनिया ले जाएंगे है ना स्विट्जरलैंड डीडीएलजे डीडीएलजे तो देखेंगे तुम कब बनोगे डीडीएलजे फोर्थ ऑप्शन इसका सही था जिसमें आपने 71 के साथ अगेन चौका जड़ा है अंकित अभिनव सचिन मनोज और कुणाल कलेक्टिव डाटा में देखा तो पता चला अभिनव मोर नंबर वन पर है शुक्ला जी संदीप और फोर्थ नंबर पर है प्यारी सी लड़की ज्योति ठीक है मैम आपका पोल खराब हो गया भैया इस बार ना अपना मैथ्स वाला है उसको जरा ढूंढेंगे है ना उसको जरा एक बार ढूंढेंगे अगला सवाल आपके सामने है जो ध्वनि प्रदूषण होता है ठीक है ध्वनि प्रदूषण का स्तर या फिर उसकी जो यूनिट है वो क्या है बच्चा वट इज द यूनिट ऑफ नॉइस पोल्यूशन जो आप दिन भर बक 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 फोन पे लगे रहते हो तो आप अपने आसपास का एनवायरनमेंट दूषित कर रहे हो ठीक है तो फोन पे कम लगा करो ए मैम इसका है डेसीबल वेरी गुड वैसे डेसिमल जिसने आंसर दिया है उनके लिए अलग से तालियां और अलग से हम एक शो रखेंगे उनको इनाम देने के लिए बच्चा क्या होता है ध्वनि प्रदूषण का आपका कहेंगे मैम डेसीबल होता है ठीक है क्या होता है डेसीबल होता है और ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है साठ परसेंट ने केवल दिया है और वो थोड़ा कंफ्यूजन में ही दिया है चलो मैथ्स वाला ढूंढो भाई कहाँ है मैथ्स वाला आ, कह रहे है कि मैम आपके पोल में गड़बड़ है तो मैथ्स वाले देखो आपने तीस सेकंड के ये रहे हैशटैग नंबर फोर्टी सिक्स पर मैथ्स वाले विराजमान है तो देखो ऐसा नहीं है कि पोल में गड़बड़ है गड़बड़ आपकी उंगलियों में है कि वो आपका साथ नहीं दे रही है ठीक है दो हजार पांच की डीओ भी है कितने साल का हो गया रे तू बच्चे बताना एक बार पहले तो ये खेलने खाने के दिन है <laughs> ये खेलने खाने के दिन है जो अगला सवाल बच्चा बहुत ही प्यारा सा कुछ हिस्ट्री से भी पूछ लेते हैं इनको क्यों बर्बाद किए जा रहे हो <laughs> वही तो मैं कह रही हूं 2005 में जन्म लिया है <laughs> सात आठ तक इसने चलना सीखा होगा नौ पे ये स्कूल गया होगा तो मतलब समझ लो इसको अभी स्कूल से जाए अभी 13 14 साल हुए हैं है, है? <laughs> क्यों क्यों इतना जुल्म कर रहे हो अच्छा सी ऑप्शन इसका सही आंसर दे रहे हो है सी ऑप्शन भारतीय और शांति का जनक अच्छा बच्चा ये बताइए अंग्रेजों के टाइम पर ठीक है ये वर्ड किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और कुछ भी हो जाए मैं इसको लेकर रहूंगा ठीक है कुछ भी हो और ये टर्म्स ऐसे इतने प्यार से नहीं बोली होगी कड़ाके से बोली होगी ठीक है कुछ भी हो मैं इसे पाकर रहूंगा यस और नो ये जिसने बोला था बच्चा अब अंग्रेजों के लिए रहूंगा क्या उनको ये बात गवारा हुई होगी और नो बाल गंगाधर तिलक और उन्हीं को भारतीय अशांति का क्या बोला जाता है जनक बोला जाता है बच्चा उन्हीं ने भारतीयों के अंदर एक्चुअली में क्या किया था ये जो स्वराज का सपना है ना ये दिखाया था भारतीयों को ठीक है तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया यस और नो जल्दी से बताना कोई आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैम हमें डाउट लग रहा है ये वर्ड्स तो किसी और के थे ठीक है एक सवाल और बताना वो आई का ठीक है किसका आई का कौन सा अधिवेशन था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग को उठाया गया जल्दी से बताइए अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग को उठाया गया मैम 1929 बचा नाइन उन्नीस लिख लेना ठीक है उन्नीस वेरी गुड किसने इसको लीड किया था इसमें लीडर कौन थे जवाहरलाल नेहरू वेरी गुड अच्छा अब लगाते हैं ए पे ताला शो रिजल्ट करते हैं पच्चीस uh, परसेंट महज इसका जवाब देते हुए जो हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आप इस पे एक रन भी नहीं बना पाए रामदर्शन ए के सैनी इंडियन आर्मी इस सवाल का सही जवाब देते हुए सबसे तेज जवाब देते हुए ठीक है अच्छा अगला सवाल भी आपका हद से ज्यादा प्यारा सवाल है बच्चा ठीक है अः uh... <laughs> अभी तो तुम्हारे बारे में मस्ती लाइफ बात कर रही थी नाम तुम्हारा इतना अच्छा है मस्ती लाइफ तो मस्ती क्यों नहीं करते पहले अट्ठारह के हो जा 18 के हो जा तैयारी करते रहो उसके बाद फॉर्म फिल करने की सोचना क्यों घर वालों के पैसे बर्बाद करने <laughs> अच्छा सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था लाइट स्केटरिंग रेडियोधर्मिता ठीक है क्रायोजेनिक थ्योरी या फिर बच्चा साउंड मीटर मैम हमने पढ़ा है फिजिक्स में पढ़ा है पढ़ा है बिल्कुल पढ़ा है रमन स्केटरिंग है ना यस और नो बच्चा फिजिसिस्ट थे बिल्कुल करेक्ट फिजिक्स के क्षेत्र में यह भी सवाल पूछा जाता है सबसे पहले तो कि इनको किस क्षेत्र में यह आपका पुरस्कार जो है वो मिला था ठीक है रमन सीवी रमन को अब बताना ये इनको मिला कब था फटाफट से तो इन्होंने बताया था कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो उसमें क्या चेंज होता है फटाफट से बताइए 1930 में ठीक है क्या हो जाएगा सही जवाब 1930 में इनको नोबेल प्राइज मिला था आपकी इस इन्वेंशन के लिए इस खोज के लिए कि जब प्रकाश को एक पारदर्शी माध्यम से गुजारा जाता है तो उसकी जो नेचर है उसकी जो प्रकृति है बच्चा उसमें चेंज आता है और आज आप ये करके देखोगे अगर तालाब किनारे जाते हो और धूप निकली हुई है तो आप इस थ्योरी को बहुत अच्छे से समझ जाओगे ठीक है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ब्लैक पैंथर ए इज द राइट आंसर अच्छा वो कौन सी पहली महिला है ध्यान से सुनना पहली महिला नोबेल प्राइज विनर जिनको दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल प्राइज मिला हुआ है ठीक है दो अलग अलग एरियाज में दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल प्राइज मिला है और ये भी बता देती हूं फील्ड फिजिक्स में भी मिला है केमिस्ट्री में भी मिला है और एक इन्वेंशन उनकी इसी ऑप्शन में आपकी यहाँ पर विराजमान है मैम मैरी क्यूरी वाह और यह सवाल बच्चा बड़ा पूछा जाता है आपका ठीक है मैरी क्यूरी रेडियोधर्मिता की खोज करने वाली चलो चवालीस परसेंट ने इसका सही जवाब दिया है अनिल फरजान तारक चंद ए के सैनी रामदर्शन और कोई बच्चा ऐसा होगा जिसने जिसके पास इलेवेंथ और ट्वेल्थ में साइंस होगी उसने मैडम क्यूरी को ना पढ़ा हो है ना मैडम क्यूरी ठीक है ये मैडम क्यूरी लिख लेना बच्चा चलो आगे सवाल देखते हैं अगले सवाल पे टेस्ला जो है ठीक है टेस्ला टेस्ला किसकी है आप कहेंगे मैम एलन मस्क की है है ना किसकी है एलन मस्क की है तो ये बताइए टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परवाह यानी कि फ्लो प्रेरण यानी कि इंडक्शन संवेग यानी कि मोमेंटम और क्षेत्र यानी कि एरिया तो टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैम मैग्नेटिक एरिया यस और नो है ना चलिए निकोला टेस्ला भी आपने सबने पढ़ रखा होगा अच्छा ये जो टेस्ला जिसकी हम बात कर रहे हैं बच्चा इलेक्ट्रॉनिक गाड़िया ठीक है आपका ट्विटर और इसके अलावा स्पेस एक्स ये किसके पास है इनके फाउंडर या इनके आपका कंपनियों के मालिक कौन है बच्चा इलोन मस्क जो अभी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई थी और उसके हिसाब से वर्ल्ड का रिचेस्ट क्या है आपका आदमी है है ना <laughs> रिचेस्ट आदमी है विद द वर्थ ऑफ 192 बिलियन डॉलर ठीक है बहुत होता है गिनो मत गिनने मत बैठ जाना मैग्नेटिक फील्ड यानी कि डी ऑप्शन यहां पे लगाते हुए और केवल 9.86 तो इनमें से आपके आधे तो बोल्ड हो गए नो को छोड़ के सब बोल्ड है और आपका नो परसेंट में संदीप विराजमान है अचिंता है रामदर्शन है ब्लैक पैंथर है चोकोपाई है अभिनव है और मनोज है आगे चलते हैं ढलवा लोहे में कार्बन की जो परसेंटेज होती है वो कितनी होती है ढलुआ लोहे में कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है आ, वन से जीरो पॉइंट फाइव फाइव से वन पॉइंट फाइव से आठ या तीन से आठ बच्चों ढलवा लोहा ठीक है आपका क्या मतलब है इसका कास्ट आयरन यानि कि आपका कुछ मिक्सचर उसमें होता है है ना? वो बिल्कुल शुद्ध नहीं होता आप उसको जिस साइज में चाहो जिस आकार में चाहो उसमें ढाल सकते हो अपने नाम से ही बता रहा है ये ठीक है ढलुआ लोहा अपने नाम से ही बता रहा है तो इसमें लगभग लगभग आपका आ, दो से साढ़े चार परसेंट अगर आप बुक को देखें तो इतना इसमें क्या होता है कार्बन होता है बाकी इसमें सिलिकॉन वगैरह भी होता है ठीक है थोड़ा बहुत परसेंटेज इसमें सिलिकॉन का भी होता है तो मैं यहाँ पे डी ऑप्शन लगा रही हूँ उसका फोर्थ यानी कि क्योंकि वही इस वाली फिगर को बच्चा आपका रिलेट कर रहा है डी ऑप्शन में 16 परसेंट बी तो बहुत ये बी जो 0.5 से 1.5 लिखा है ना बच्चा ये तो आपके इसमें सिलिकन हो गया ठीक है आ, सल्फर हो गया और बहुत सारी सारी चीजें होती है इसकी ठीक है आपका सल्फर हो गया तो डी पे 16 परसेंट में विकास अभिनव रागिनी साक्षी इस सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर देते हुए और ये आपका आज का हम आखिरी सवाल रखते हुए अब हम आपसे कल मुलाकात करेंगे सेम टाइम सेम जगह ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर के एसएससी के सवालों के साथ आपकी तैयारी के लिए आपके लिए सिर्फ मेहनत करते हुए और आशा आपसे ये है बच्चा कि आप भी हमारे साथ उतनी ही मेहनत कर रहे हो उतनी ही शिद्दत है आप में भी आपकी जॉब पाने की जितनी हमारे अंदर है आपके लिए कुछ करने की कल सुबह मिलते हैं सुबह नौ बजे एसएससी के फाउंडेशन बैच में आपकी प्यारी सी आपके सामने हाजिर हो जाएगी अभी आपके सामने जो आ रहे हैं वो है ललित सर अपनी रीजनिंग की क्लास लेकर तो तर्क वितर्क जरा हो जाए और हम आपसे कल मिलेंगे टेक केयर एवरी वन बाय बाय आप सबके लिए ढेर ढेर सारा प्यार और आप भी बहुत सारा प्यार छोड़ के जाना कमेंट बॉक्स में लास्ट में ठीक है टेक केयर एवरीवन